यूक्रेन मामले पर हरीश रावत ने जताई चिंता, कहा पीएम मोदी देशवासियों को करें आश्वस्त, फंसे लोगों को लाएं सुरक्षित। चमोली में बर्फबारी से ढका बद्रीनाथ धाम, माइनस डिग्री तक पहुंचा तापमान, लेकिन अपनी ड्यूटी पर अड़िग रहे जवान। यूक्रेन में फंसा सितारगंज का युवक, परिजनों ने भारत सरकार से लगाई गुहार, सभी छात्रों को भारत लौटाने की कराई मांग। चंपावत में पत्थर की वजह से हुई थी दुर्घटना, परिवहन विभाग के अधिकारियों ने दी जानकारी, घटना में हुई थी 14 लोगों की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरों का मेगा बुलेटिन अपना उत्तराखंड, और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूक्रेन मामले में। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत सरकार निश्चित तौर पर बातचीत कर रही होगी, लेकिन प्रधानमंत्री को देशवासियों को आश्वस्त करना चाहिए कि वहां फंसे नागरिकों को निकालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि यूरोपीय देश की धरती से तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बन रही है, ये अचानक नहीं हुआ है, लंबे समय से ऐसी स्थितियां बन रही थी, पिछले कुछ हफ्तों से तो साफ लग रहा था कि युद्ध होगा। ऐसी स्थिति में भारतीय नागरिकों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना केंद्र सरकार का पहला दायित्व था। उत्तराखंड के भी तमाम छात्र वहां अध्ययन करने गए हैं, वह भी फंसे हुए हैं। यूक्रेन की स्थिति बहुत चिंताजनक है। रूस के आक्रमण के बाद युद्ध अवश्य संभावी लगता है। ये एक तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बन रही है यूरोप की धरती से, और ये अचानक नहीं हुआ है, बहुत लंबे समय से स्थितियां बन रही थी, और पिछले कुछ हफ्तों से तो स्पष्ट लग रहा था कि आक्रमण होगा, युद्ध होगा। तो ऐसी स्थिति में भारत के नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर निकाल करके ले जाना भारत का पहला दायित्व है। उत्तराखंड के भी छात्र बड़ी संख्या में जो वहां अध्ययन करने के लिए गए थे फंसे पड़े, माँ बाप बहुत चिंतित हैं, प्रत्येक भारतवासी बहुत चिंतित है। कहा जा रहा है कि वहां छात्रों के पास डॉलर उपलब्ध नहीं है, निकासी का कोई रास्ता है नहीं, केवल भारत सरकार ही रूस से और यूक्रेन से बातचीत कर सेफ पैसेज निकाल सकती है। मैं समझता हूं सरकार बातचीत कर रही होगी, मगर चिंता तो चिंता है, और हमको अपनी अर्थव्यवस्था की भी चिंता करनी चाहिए। यूक्रेन के साथ हमारे आर्थिक स्वार्थ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर इस युद्ध का निश्चित तौर पर दुष्प्रभाव पड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री को देश को आश्वस्त करना चाहिए कि किस प्रकार से इस दुष्प्रभाव को रोकने के लिए सरकार कदम उठाने जा रही है। चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी होने से धाम बर्फ से ढक गया है। बद्रीनाथ धाम के आसपास कई फीट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है और तापमान माइनस तक पहुंच गया है। भारी बर्फबारी के बीच ऐसी परिस्थितियों में भी चौकी हनुमान चट्टी में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाले चमोली पुलिस के जवान धर्मेंद्र सिंह, प्रवीण सिंह, कुंवर सिंह और अवतार सिंह मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे मुश्किल हालातों में अपनी ड्यूटी पर अड़िग जवानों का कहना है कि वो किस्मत वाले हैं कि उन्हें विपरीत परिस्थिति में ड्यूटी करने का सौभाग्य मिला है। नैनीताल के विकास भवन में बने कई कार्यालयों का कुमाऊं मंडलायुक्त ने औचक निरीक्षण किया। इसी के साथ ही अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बता रहे हैं कि कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने विकास भवन परिसर के जिला विकास कार्यालय, परियोजना निदेशक, DRDA, पशु चिकित्सा कृषि विभाग, उद्यान विभाग आदि विभागों का
औचक निरीक्षण किया है। मैं आज मैंने कुछ कुछ जो इसमें मेजर ऑफिसेज हैं और उनका इंस्पेक्शन किया, जिसमें DDO साहब का ऑफिस है, PD का है, DHO साहब का है, RWD का है, पशुपालन का है, कृषि का है, मोटे मोटे तौर पे ऑफिसेज देखे। और ये यहाँ पे मैंने अच्छी चीज़ देखी कि लगभग जो पेमेंट्स थे जो वित्तीय वर्ष के अंत में हो जाने चाहिए टारगेट क्लोजर के, वो सारे हो गए हैं। रिकॉर्ड मेंटेनेंस भी यहाँ पे अच्छा है। केवल 2-3 चीज़ों पे मैंने यहाँ पे करने को कहा। एक तो जो भी डाक ऑफिस में आती है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की हो, वो अनडेटेड ना आए, क्योंकि इसमें फिर कई बार ये नहीं पता चल जाता कि कब से चीज़ें टली हुई हैं, कब लटकी हुई हैं, ट्रांसपेरेंसी में कमी आती है। दूसरा, जो गार्ड फाइल यहाँ पे मेंटेन हो रही है वो अपडेटेड नहीं है, उसको अपडेट करने के लिए कहा है। और बाकी इन जनरल जो यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट है उससे मैं सैटिस्फाइड। सही साबित हुई है। एक बार फिर जिले के कई इलाकों में बारिश होने से ठंड बढ़ गई, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। चमोली के पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने से ठंड लौट आई है। जिले के कई क्षेत्रों के ऊपरी इलाकों में देर रात से बर्फबारी जारी है, तो निचले इलाकों में बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। चमोली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है, जिसके चलते अब मौसम का मिजाज बदल चुका है। मौसम के मिजाज बदलते ही अब ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड भी बढ़ गई है। तो वहीं मंगलौर में पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी क्षेत्रों में भी देर रात से तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते फिर से ठंड में इजाफा हुआ है। मंगलौर में कई जगह जलभराव होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश से अभी भी फसलों में पानी भरा हुआ है। देर रात से हो रही बारिश से किसानों को भी चिंता सताने लगी है। बारिश के चलते किसानों को गेहूं की फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। बारिश से परेशान है किसान लोग, ज़्यादा ही परेशान है। और मौसम इस बार 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 करवट बदल रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी, और इस बारिश से बहुत ही ज़्यादा नुकसान है फसलों को। गेहूँ की फसल, गन्ने की फसल और सरसों की फसल को तो सबसे ज़्यादा ही नुकसान है। और सभी लोगों ने अपने कपड़े गर्म कपड़े निकाल के रख दिए थे, और अब दोबारा से फिर सर्दी की आहट हो गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। किसान लोग तो ज़्यादा ही परेशान है। बारिश तो रात 1 बजे से हो रही थी, और ये 10 बजे हम अपने काम पे निकले थे, लेकिन काम पे नहीं निकल पाए। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, वो मौसम जो है करवट ले चुका है, दोबारा ठंड बढ़ने की संभावना हो रही है, और डर लगता है कि मौसम और ज़्यादा बढ़ेगा। नैनीताल और उसके आसपास मौसम वैज्ञानिक की सटीक भविष्यवाणी के चलते बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे तापमान में भी भारी गिरावट आ गई। तेज हवाओं के साथ ठंड भी पड़ने लग गई। लोग गर्म कपड़ों के साथ साथ आग का सहारा ले रहे हैं। वहीं बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सितारगंज में एक तरफ तो अतिक्रमण को लेकर जिलाधिकारी का रुख काफी सख्त है, वहीं दूसरी तरफ यहां ग्राम पंडरी में सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी ही सरकारी भवनों में कब्जा जमाए बैठे हैं। भूमि पर बने विकासखंड के एक भवन पर साल 2016 में विकासखंड अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हो चुके BC जोशी ने कब्जा कर रखा है। एक अन्य भवन में विकासखंड कार्यालय में कनिष्ठ सहायक रहे किशन सिंह बिस्ट कब्जा जमाए हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब प्रशासन अपने ही सरकारी अधिकारियों से कब्जे खाली नहीं करा रहा, तो फिर आम लोगों के अतिक्रमण कैसे खाली कराए जाएंगे।
बहादुराबाद के श्यामपुर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में पुलिसकर्मी और कांवड़ यात्रियों के बीच बहस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कांवड़ यात्री और पुलिसकर्मी के बीच काफी बहस और गाली गलौज हो रही है। बता दें कि वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी और कांवड़ यात्री के बीच जमकर गाली गलौज हुई। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती की, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ। चल चल आ यार चला करो फोन करो आप कर लो जिस मर्जी कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हो कट जाएंगे चल चल वहाँ कर जा कोटा तेरी जाएगा यार बोले इन्होंने धक्का दिया कमर को कावड़ को धक्का दिया चल सर कह रहे ढाबे से यहाँ को कट जाएंगे हम ये कह रहे हैं जब तुम अगर आप हम आप बोले हो वीडियो बन गई तो आप बोलो अब आप तू तड़ा बोलो आप तू तड़ा बोलो हाँ तू तड़ा क्या बोल रहे हो आप बोलो तू तड़ा बोली तू तड़ा तू हमने बोली है धक्कर दिया वहाँ से मैं वापसी आया हूँ हाँ वापसी आ रहे वहाँ से वापसी आया हूँ संज्ञान में आया है जिसमें कि कथित रूप से एक पुलिसकर्मी और एक कोई अन्य व्यक्ति एक दूसरे के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने गलत है, चाहे वो पुलिसकर्मी के द्वारा हो चाहे वो पुलिस के द्वारा हो। इस प्रकरण की हम लोग महाशिवरात्रि पर्व और कांवड़ यात्रा को लेकर एसएसपी हरिद्वार ने पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण दो बार कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया था, लेकिन इस बार संक्रमण के आंकड़े काफी कम होने के कारण कांवड़ यात्रा को सुचारू किया गया है, जिसके चलते इस बार कांवड़ यात्री काफी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इस बार जो कोरोना के जो लॉकडाउन के टाइम पे डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस थे उनमें काफी ढील दी गई, बॉर्डर की चेकिंग अब बंद कर दी गई है, जो एक अनिवार्यता थी कई चीज़ों की वो अब कम हो गई है और फुल कैपेसिटी पे जो डिफरेंट प्रतिष्ठान है चाहे वो होटल्स हैं सिनेमा घर ये काम कर रहे हैं। ऐसी दशा में इस बार कांवड़ के यात्रियों की संख्या भी अप्रत्याशित रूप से बहुत ज़्यादा रही है। पिछले सालों में अगर आप कांवड़ को देखें तो बहुत कम लोग होते हैं, इस पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में कांवड़ आए हैं। पुलिस भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, महाशिवरात्रि का एक तारीख को जो मेला है उसके लिए भी रोड है, इसमें दो तीन बॉटल नेक हैं, जैसे चंडी पुल ही हमारा बॉटल नेक है, एक रसियाबड़ है जहाँ पर कि कांवड़ ये सड़क को क्रॉस करते हैं और ट्रैफिक भी रहता है वो है। इसके अतिरिक्त ये सड़क अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, इसमें अधिकांश स्थानों पर केवल एक लेन चल रही है, इस कारण थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन लगातार हमारा जो फोर्स है और जो हमारे ट्रैफिक है वो यातायात को सुचारू करने में लगे। शिवरात्रि के लिए हमको अन्य जनपदों से भी फोर्स प्राप्त हुआ है, इसके अतिरिक्त करीब 150 लोग हमारे जनपद के भी इसमें काम कर रहे हैं, दो कंपनी की एसी लगाई गई और करीब 125 लोग अन्य जनपदों से मिले, तो सारे मिला के करीब 4-4.5 से अधिक करेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसी गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है।
जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डट कर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डट कर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के राजपुताना गांव के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में मतदान अधिकारी का शव मिलने पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिसके चलते थाना बहादुराबाद पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। जो अधिकारी थे जो मतदान से संबंधित थे, इनकी डेड बॉडी पाई गई और प्रथम दृष्टया इसमें जो कॉज ऑफ डेथ था वो सर्टेन आया था, लेकिन इनके परिवार वालों ने चूंकि इसमें आशंका जाहिर की थी इसलिए इनकी आशंका को दृष्टिगत रखते हुए इसको FIR में तर्मीन किया गया। किस तरीके से जाएगा इसमें जो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। जब तक उनके शरीर पर कोई चोटों के निशान नहीं थे, उसके अलावा उनको किस स्थान पर जाना था, किस किन लोगों से गए, किन लोगों से उन्होंने बात की, सारी चीज़ों पर छानबीन। वहीं बहादुराबाद में पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में बनाई गई मां गंगा पुष्प वाटिका का हरिद्वार SSP डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने शुभारंभ किया है। बता दें कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर पुलिस महकमा भी अपना अहम योगदान पर्यावरण संरक्षण में दे रहा है, जिसके चलते रोशनाबाद स्थित पुलिस कार्यालय में पुष्प वाटिका बनाई गई है जिसमें कई प्रजातियों के फूल के पौधों को लगाया गया है, जिससे कि वातावरण प्रदूषण से मुक्त हो सके। पर एक फूलों की वाटिका बनाई गई है जिसमें कि सीजनल अनेक प्रकार के फूल यहाँ पर हैं, जिनमें डहेलिया, गुलाब, गेंदा और पॉपी, जो कई प्रकार के आपको यहाँ पर फूल मिलेंगे। और जहाँ इन फूलों से एक और पर्यावरण को बचाने की ओर जो संदेश जाएगा, जो फूलों की वैरायटी है, एक जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें जहाँ एक तरफ ज़रूरी है, दूसरी तरफ ये आँखों को और सुकून देने वाला और मन को शांति देने वाला भी है। पुलिस को आमतौर पर एक शुष्क डिपार्टमेंट माना जाता है, लेकिन ये यहाँ पर इस धारणा को बदलने के लिए है कि नहीं, पुलिस में भी ऐसे लोग हैं जो सौंदर्य के पारखी होते हैं और जो पॉजिटिविटी और अच्छी चीज़ों को प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ पर ये बेसिकली जो हमारे PRO हैं विपिन पाठक, इनका जो शुरुआत किया था वो और इसको बनाने में उन्होंने काफ़ी मेहनत।
कुछ दिनों से यूक्रेन में हालात खराब बताए जा रहे हैं। रशिया और यूक्रेन में छिड़े युद्ध में लगातार हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। वहीं अन्य देशों समेत भारत के लोग जो यूक्रेन गए हुए हैं, अब वो बुरी तरह से फंस गए हैं। युद्ध के चलते यूक्रेन की सरकार ने तमाम फ्लाइट्स को बंद किया हुआ है। ऐसे में अन्य देशों से आए लोगों का बुरा हाल है। युद्ध के चलते वो अपने देश, अपने वतन वापस नहीं जा पा रहे। वहीं सितारगंज शहर के एक युवक अजहर मलिक यूक्रेन में MBA की पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे, जिसे सकुशल भारत वापस लाने के लिए उसके पिता अतहर मलिक ने भारत सरकार से गुहार लगाई है। मेरा नाम मोहम्मद अतहर है और मेरा बेटा MBA करने यूक्रेन गया था 12 अप्रैल 2021। और सरकार से ये गुहार लगाई थी हमने कि ये इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है। जब मैंने 15 दिन से मालूम था हालात ख़राब हो रहे हैं, वहाँ फ्लाइटें बंद थी, तो इन्हें पहले ही व्यवस्था करना चाहिए थी उसके बराबर के मुल्कों से, ये इंडियंस को निकालना चाहिए था। अभी आला अधिकारियों से कोई बात नहीं हुई, LIU के इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी, मैंने फ़ोन किया था, DM साहब ने लिस्ट जारी की थी, उस पर फ़ोन करने के बाद LIU के इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने मेरे बेटे के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे थे, उसमें उसके फ़ोटो, उसका ID, उसका पासपोर्ट, वीज़ा, वो सारे मैंने दे दिए थे उनको। तो फिर दोबारा उनसे बात हुई 3-4 घंटे के बाद, तब उन्होंने बताया कि ये DM साहब के थ्रू सरकार को भेजी थी लिस्ट बना। हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें सरकार वहाँ से जल्द से निकाल के घर लाए। वहीं भेल हरिद्वार के शिवडेल स्कूल में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी देते हुए SDM हरिद्वार पूर्ण सिंह राणा ने बताया कि मतदान के बाद जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं, साथ ही पुलिस बल की तैनाती भी की गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि स्ट्रांग रूम को अति संवेदनशील मानते हुए उसकी सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। नहीं देखिए, काउंटिंग ऑफ वोट्स के लिए जो प्लेस आइडेंटिफाई किया गया है वो शिवडेल स्कूल आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा फाइनल किया गया है। तो उसी में जो टोटल हमारा 11 विधानसभा है जनपद हरिद्वार का, तो उसके वहीं पर स्ट्रॉन्ग रूम स्टेब्लिश किए गए हैं और स्ट्रॉन्ग रूम के साथ साथ जो वहाँ पर हॉल इत्यादि बने हैं तो उसी में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए डिफाइन किया गया है, प्लेस आइडेंटिफाई किया गया है। और अभी जो स्ट्रॉन्ग रूम बने हैं उसकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे पर्याप्त ITBP और SSB को तैनात किया गया है, जिनके द्वारा वहाँ पे 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा आउटर जो वहाँ पे कॉरिडोर है उसमें स्थानीय पुलिस के द्वारा देखा जा रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं, जो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है जो इसी के द्वारा दी गई है, उससे सभी तैयारी की गई है। चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सड़क, पुलिस, परिवहन, चिकित्सा और स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, सफाई, पेयजल, पर्यटन से संबंधित व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। यात्रा व्यवस्थाओं के संबंध में सभी संबंधित विभागों ने उनकी तरफ से की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। आगामी मई में जो बद्रीनाथ यात्रा प्रारंभ होनी है उसके क्रम में जो समस्त हमारे रेखीय विभाग उनके साथ आज एक बृहद बैठक की गई है, जिसमें BRO, NHIDCL जो हमारे नगर पालिकाएँ हैं, जिला पंचायत, जल संस्थान, इन सब के साथ डिटेल में, और जो पर्यटन विभाग है कि उनके द्वारा क्या तैयारियां की जानी है, तो उन सभी को निर्देशित किया है कि यात्रा को देखते हुए वह अपनी तैयारियाँ पूरी कर लें और कोई भी आवश्यकता पड़ने पर, चाहे वो धनराशि की हो या किसी अन्य विभागीय स्तर पर, तो तत्काल अवगत कराएं ताकि शासन स्तर पर उसकी मांग की जा सके। धाम यात्रा को लेकर आज एक कोऑर्डिनेशन बैठक जो है आयोजित की गई, उसमें सभी विभाग सम्मिलित हुए और पुलिस की जिन जिन विभागों से जो जो अपेक्षाएं थी, स्पेशली जो हमारी रूट को लेकर NH में जहाँ जहाँ अभी कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है और जो हमारे दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं उनको लेकर जहाँ जहाँ साइनेजेस लगने हैं, चेतावनी बोर्ड लगने हैं, और इसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटीज़ रूट में हैं, इसके अलावा हमारे जो अस्थाई चौकियाँ
साझा खुली, उसको लेकर विस्तार में चर्चा। तो फिलहाल के लिए देवभूमि के इस मेगा बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।